बच्चों आज हम क्लास 7 की इंग्लिश का लेसन 10 पढ़ेंगे। थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन एक वैज्ञानिक का नाम है जिसके बारे में थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पूरी यहाँ पे उनकी हिस्ट्री बताई गई। हिस्ट्री मतलब पूरी जीवन गाथा, उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे पढ़े, कैसे लिखे, क्या क्या खोज की, ये सब बारे में इस लेसन में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ाती हूँ। व्हाट आर यू डूइंग देयर टॉम। तुम वहाँ क्या कर रहे हो टॉम। टॉम मतलब एल्वा एडिसन का नाम ही टॉम था। नथिंग फादर, आई एम ओनली ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ आई कैन हैक्स एग। नहीं, कुछ नहीं पापा, मैं सिर्फ यह ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अंडे को, मतलब इसकी खोज कर रहा हूँ कि मैं अंडे को से सकता हूँ कि नहीं। अंडे को सेना मतलब वो मुर्गी बिठाते हैं ना हम लोग, जिससे वो बैठी रहती है और अपने बच्चों को जन्म देती है ना, वैसे ही। हैच एग्स, व्हाट डू यू मीन, यू आर नॉट अ डक एंड हैंड। अंडे को सेना, ये क्या बात कर रहे हो, क्या तुम बदक या मुर्गी हो। ओ ऑफ कोर्स आई एम नॉट, बट यू टोल्ड मी डेट अ डक सीड्स एंड इट्स एग्स एंड हक्स देम। आप सही कह रहे हो, मैं वो नहीं हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने मेरे को बताया था ना कि किस प्रकार बदक अपनी अंडे पर बैठकर अंडों को सेती है। आई एम मच बिगर देन अ डक एंड सो आई एम श्योर आई कैन ऑल्सो सीट एंड डक एग्स एंड हैच देम। आई एम, मैं उन, फिर तो मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ बदक से, तो मेरा ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा है कि मैं बदक के अंडों पर बैठकर उसको से सकता हूँ। द चाइल्ड हु ट्राइड टू हैक एग्स एंड थॉमस एल्वा एडिसन। ये बच्चा जो यह कोशिश कर रहा था अंडे को सेने की, यही था थॉमस एल्वा एडिसन, द इन्वेंटर ऑफ द ग्रामोफोन एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसने ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हमारे घरों में बल्ब लगाए जाते हैं, उनकी खोज की थी। ही वॉज बॉर्न ऑन 11 फरवरी 1847 एट मिलन, ओहिया इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनका जन्म अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है, वहाँ के मिलन ओहियो पर 11 फरवरी 1874 में हुआ था। हिज टीचर डिड नॉट थिंक मच ऑफ देम। इनके जो टीचर थे इन्हें ज़्यादा नहीं जानते थे, बट हिज मदर नी दैट टॉम वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज रेडी टू एक्सपेरिमेंट। बट इनकी माता इन्हें अच्छे से जानती थी कि ये बहुत बुद्धिमान हैं और ये हमेशा प्रयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। एट द एज ऑफ 8, जब इनकी उम्र 8 साल की थी, द बॉय हैड सेट अप द ऑन लेबोरेटरी एंड स्टार्टेड डूइंग द एक्सपेरिमेंट। जब ये 8 साल के थे तभी इन्होंने अपनी खुद की प्रयोगशाला बना ली थी और वहाँ पे ये क्या करने लगे थे, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करने लगे थे। इवन एज अ बॉय, ये एक लड़के थे, टॉम वर्क हार्ड टू अर्न इनफ मनी एंड वाई टू थिंक दिस नीडेड फॉर एक्सपेरिमेंट। इसलिए इन्हें पता था, इन्होंने अपने परीक्षण से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि जितना उनके प्रयोग के लिए उपयोगी था। लेटर द लर्न टेलीग्राफ एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर। इन्होंने अपनी पहली जॉब टेलीग्राफी में स्टार्ट की और ये बने टेलीग्राफ ऑपरेटर। ही लॉस्ट मैनी जॉब्स नॉट बिकॉज दिस लेजीनेस। इन्होंने अपनी बहुत जॉब छोड़ी इसलिए नहीं कि ये आलसी थे, आई फैक्ट वर्क वेरी हार्ड, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले थे। बट ही स्पेंट अ लॉट टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटली इन ऑर्डर टू फाइंड एट न्यू थिंग्स, सो हिज एम्प्लॉयज फेल्ट दैट हज वेस्टिंग हिज टाइम। पर यह जो प्रयोग करते थे तो इनके जो साथी थे वो उनसे कहते थे कि तुम अपने टाइम को ख़राब कर रहे हो। ओनली वन ऑफ हिज एम्प्लॉयज, बस एक ही उनका एक एम्प्लॉय था, मिस्टर मिलिकिन, जो उन पर बिलीव करता था दैट एडिसन रियली एंड न्यू आइडियाज, और उन्हें पता था कि एडिसन हमेशा न्यू आइडियाज लाते हैं। ही हेल्प द यंग मैन इन एवरी वे एंड सून एडिसन इन्वाइटेड समथिंग वेरी यूजफुल। वो हमेशा उन्हें हेल्प करते थे, हर तरीके से उनकी मदद करते थे और उनके उपयोग के लिए जो चीज़ें रहती थी वो भी उनको उपलब्ध कराते थे। वी स्पेंड मैसेज वायर इज कॉल्ड टेलीग्राफी, बट दिस डेज ओनली वन मैसेज कुड वी सेंड एट अ टाइम अलोंग अ वायर। एडिसन वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू मेक इज पॉसिबल टू सेंड मोर देन वन मैसेज एट द सेम टाइम एंड द सक्सेस। हम वी सेंड मैसेज इन वायर इन टेलीग्राफी, टेलीग्राफी के द्वारा हम एक ही मैसेज को क्या कर सकते हैं,
पहुंचा सकते हैं, बट इन इन इनका ये मानना था कि हम एक ही वायर की वायर से और मैसेज सेंड कर सकें। इसके लिए उन्होंने कठिन परीक्षण किया इसको सफल बनाने के लिए। दिस वॉज नो डाउट इन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन बट इट वॉज ओनली बिगनिंग। उन इसमें कोई डाउट नहीं था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था जिसकी शुरुआत इन्होंने की थी। सून एडिसन गेव अप जॉब्स इन ऑर्डर टू स्पेंड ऑल हिज टाइम इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटली इन्वेस्टिंग 1969। इन्होंने अपनी इस जॉब को छोड़ दिया और लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए लग गए 1969 में। ही वेंट टू न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क गए 1969 में। वर्क ही इम्प्रूव द मशीन फॉर सेंडिंग मैसेज, और वहाँ पे जो मशीन रखी हुई थी उसे सुधारा। ए क्रिएशन जनरल लैफ्टर वेंटेड बाय द इन्वेंशन। वहाँ पे जनरल लैफ्टर नाम के एक व्यक्ति थे जो उनकी इस खोज को देख रहे थे। द जनरल वॉज श्योर वॉज एक्सट्रीमली यूजफुल सो हिज अफोर्ड एडिसन $40,000। उन्होंने वो जो जनरल लैफ्टर थे उन्होंने इनकी खोज को खरीदने के लिए इन्हें ऑफर किए $40,000 फॉर द इवेंट। द एडिसन वॉज सरप्राइज, जिससे एडिसन क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ही वॉज अ वेरी लार्ज सम ऑफ मनी, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम थी। एंड ही हैड थॉट द वी वुड एबल टू सेल ए न्यू मशीन फॉर ओनली अबाउट $4,000। इन्होंने अपनी इस मशीन की कीमत सिर्फ 4,000 ही सोची थी। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, है ना। पेज नंबर 64 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। ऊपर नंबरिंग करके वर्ड लिखे हुए हैं, इन्हीं वर्डों का उपयोग हमको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। साइंटिस्ट द इन्वेंटर स्पेंड, इस पे आएगा ए लॉट ऑफ टाइम। फर्स्ट नंबर पे जो लिखा है इस पे आएगा ए लॉट ऑफ टाइम इन इन्वेंट न्यू थिंग्स। यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं। सेकेंड में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क वेरी हार्ड डेट फाइंड आउट पेनिसिलियम मॉल्ड, इसमें आएगा इन ऑर्डर टू, जो थर्ड नंबर पे लिखा है सेकेंड में आएगा। जनरल एफर्ट अफोर्ड एडिसन डैश टू बाय हिज न्यू इन्वेंशन, इसमें आएगा ए लार्ज सम ऑफ मनी, जो सेकेंड नंबर पे लिखा है वो थर्ड में आएगा। द मॉडर्न ग्रामोफोन इज अ टाइप ऑफ डैश इन्वेंटेड बाय थॉमस एल्वा एडिसन, टर्न ऑफ फोर्थ नंबर में, इसमें आएगा टॉकिंग मशीन फोर्थ नंबर में, फिफ्थ नंबर का आएगा। मिस्टर विजयी हाउस वॉज एब्सोल्युटली डार्क बिकॉज ऑल द लाइट एंड हैड बीन टर्न ऑफ, फिफ्थ में फोर्थ नंबर का आएगा। फिर से रिपीट करती हूँ, फर्स्ट में फर्स्ट का आएगा, सेकेंड में थर्ड वाला आएगा, थर्ड में सेकेंड वाला आएगा, फोर्थ में फिफ्थ वाला आएगा और फिफ्थ में फोर्थ वाला आएगा। अब हम आते हैं पेज नंबर 65 में, ट्रू और फॉल्स। यहाँ लिखा हुआ है टी और एफ, किसी भी एक में निशान लगाना है, है ना। थॉमस एल्वा एडिसन इज़ अ इन्वेंटर ऑफ ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। मैंने पढ़ाई हूँ आपको, इन्होंने ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी क्या, तो ये तो सही हुआ। इसमें आएगा टी। एडिसन वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, इनका जन्म क्या इंग्लैंड में हुआ था, नहीं, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, है ना, अमेरिका के मिलन में, तो ये हुआ फॉल्स। एडिसन मेड टेलीग्राफी मोर यूजफुल, ट्रू। जनरल एफर्ट ऑफर $40,000 इन अ बाय एडिसन न्यू इन्वेंशन, दिया था ना उन्हें 40,000 रुपये उन्हें डॉलर, ये भी हुआ ट्रू। एडिसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यूजफुल इन्वेंशन इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी जो उपयोगी है बहुत, ट्रू है कि नहीं उपयोगी, जिससे हमारे घरों में लाइट जलती है। सिक्स नंबर का, एडिसन प्रोड्यूस द फर्स्ट टॉकिंग पिक्चर इन 1915, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसको हमने नहीं पढ़े हैं। ये हुआ फॉल्स, फर्स्ट का ट्रू, सेकेंड का फॉल्स, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का ट्रू, फिफ्थ का ट्रू एंड सिक्स का फॉल्स। ओके, अब हम नीचे आते हैं थर्ड के ए में। इसमें असिस्टेंट करके ए पर्सन हु हेल्प समबडी, जो हमको हेल्प करते हैं वो असिस्टेंट कहलाते हैं, भरा हुआ है। सेकेंड ए पर्सन हु इज इन्वेंटेड समथिंग, इन्वेंट INVENT, ठीक है। ए थिन वायर द प्रोडक्ट लाइट व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, फिलामेंट FILAMENT। साइंटिफिक टेस्ट दैट इज कैरियड आउट द गेन न्यू नॉलेज, एक्सपेरिमेंट EXPERIMENT टू अ वेरी हाई डिग्री, एक्सट्रीमली TREMLY। ए मशीन दैट प्रोड्यूस राइटिंग सिमिलर टू प्रिंट टाइपराइटर, TYPEWRITER। ए पर्सन हु गिव समबडी अ जॉब टू डू
फॉर पेमेंट एम्प्लॉय ई एम पी एल ओ वाई ई आर। इसके बी में भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया है जो हमको भरना है, ऊपर ही हमारे वर्ड दिए हुए हैं उनको देख देख के। Use the following word in the sentence given below. Edison learned telegraphy and started working as telegraph operator. इन्हें telegraph operator के रूप में अपनी job start की थी। Telegraph operator आएगा first में। We can send more that through telegraph messages. Telegraph के द्वारा हम क्या पहुँचाते हैं? Messages. Second में आएगा messages. Americans dread Edison because his contribution is a scientist. Third में आएगा respect. अमेरिकी क्यों उनकी respect करते हैं? क्योंकि वो एक scientist थे, है ना। Edison mother knew डैट ही वॉज वेरी क्या थे, इंटेलिजेंट। फोर्थ में आएगा इंटेलिजेंट, उनकी मदर को पता था ना कि वो बहुत बुद्धिमान है। मैडम क्यूरी डिड सर्वल डैस अ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट। मैडम क्यूरी भी एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग करती हैं और एक साइंटिस्ट, रेडियम की खोज की है मैडम क्यूरी ने। अब हम आते हैं पेज नंबर 67 पर, इसमें भी यस और नो लिखना है हमें। साइंटिस्ट द इन्वेंटर हैव मेड द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यस। एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल, नो। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राम वेल, यस। ऑक्सीजन इज नॉट इसेंटियल फॉर द लिविंग बींग्स, नो। वी शुड हर्ट एनिमल्स, नो। प्लेइंग एंड एक्सरसाइज आर नॉट फूड फॉर हेल्थ, नो। We should always try to speak the truth, yes. Always helps your friend in never, yes. पहले का yes, second का no, third का yes, fourth का no, fifth का no, sixth का no, seven का yes, eighth का yes, ठीक है। इसके बाद के बच रहे हैं हमारे कुछ portion जिसे हम next video में complete करेंगे, ठीक है। Thank you.